गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गाड़ी के सर्विस करवाने जा रहा हूँ। 2000 किलोमीटर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जो मेरा ड्यू भी था ना, जो पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था, आज मैं गाड़ी की सर्विस करवाने जा रहा हूँ। सो बने रहो और अभी दिखाते हैं आपको। सो फाइनली घर से निकल चुके हैं फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं रास्ते से। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ जा कर के। और यार उनसे ना कुछ बात भी करनी है कि एक्चुअली ना थोड़ा बहुत हल्का बहुत ना पिंच सा डेंट सा है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे उधर से बोनट से। तो आज ये काम भी है यार, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और चलो यार, एक तो ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे भी ना, कि कहने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अपना क्या है, मस्त से चलाओ। दिल्ली है, दिल्ली में तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। अभी तो रेड लाइट है, अभी यहाँ से हम चलेंगे। अपना हो गया, अब यहाँ से चलते हैं, आगे निकलते हैं। बाकी और भी चीजें हैं फ्रेंड्स, स्टाइल में रहने का। मैं 2000 कंप्लीट होने हो चुका है, तो फर्स्ट सर्विस है गाड़ी की। ऑब्वियसली बात है यार, थोड़ा एक्साइटेड तो होते ही हैं कि हाँ भाई पहली सर्विस है। उसके बाद धीरे धीरे रनिंग पे गाड़ी को ले करके यार तेरी इधर उधर घूमने लेके जाएंगे गाड़ी को, और अच्छी जगहों पे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे नज़ारे। तो बहुत सी चीजें होती है फ्रेंड्स, हर चीज देखनी पड़ती है। सारी दुकानें खुली हुई हैं फ्रेंड्स। सो गाइस, जो ये 2000 किलोमीटर पे जो गाड़ी की सर्विस करवाने जा रहा हूँ, और जो ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा 2000 किलोमीटर का, ये बहुत ही अच्छा रहा है। और मतलब कि ये नहीं है कि हाँ किसी पे ये लैग करी है गाड़ी या कुछ भी किया, या गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आई है, या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई है, किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है और बिल्कुल अच्छी चल रही है गाड़ी। नो डाउट कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ का। और गाड़ी तो बहुत ही अल्टीमेट है फ्रेंड्स, बहुत ही अल्टीमेट है, नो डाउट, बहुत अल्टीमेट है। मजा आ जाता है इस गाड़ी पे चलाने में ना, मतलब और कोई गाड़ी चलाने में मजा आए ना आए, लेकिन इस गाड़ी को चलाने में बहुत मजा आता है, मजा आता है भाई। थैंक यू निशान, बहुत बढ़िया गाड़ी दिया आप लोगों ने मेरे को, बहुत बढ़िया गाड़ी दी है। एक गाड़ी तो और लेंगे जरूर फ्यूचर में तुमसे, यही मैग्नाइट का, जब एक लेटेस्ट फेस वर्जन आएगा, फेस लिफ्टेड वर्जन आएगा, तब लेंगे। अभी तो सेम गाड़ी करनी क्या है ना, एक गाड़ी तो हमने ले ली, अब दूसरी गाड़ी के लिए भी लेंगे जब इसका फेस लिफ्टेड वर्जन आएगा, वो लेंगे। तो वो भी हम ब्लैक कलर में लेंगे फ्रेंड्स, ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है यार, ब्लैक कलर गाड़ी लेना, और मजा आ जाता है यार, एक शान हो जाती है कि हाँ ब्लैक कलर गाड़ी का एक अपनी ब्यूटी होती है, ब्लैक कलर गाड़ी की अपना सब कुछ होता है। पीछे से धूप या लाइट शीशे पे पड़ रही है यार गाड़ी के, और रिफ्लेक्शन ले रहा है, तो बाकी सारी चीजें आपको वहीं जाके पता चलेगी फ्रेंड्स, वहीं जाके पता चलेगी। चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, so
सो गाइस, ये जो मार्केट है ये कीर्ति नगर मार्केट है, फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट है ये। यहाँ पे फर्नीचर आपको बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत महंगे भी मिलते हैं, मतलब रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं फर्नीचर। और ये पूरी की पूरी फर्नीचर मार्केट है फ्रेंड्स, पूरी फर्नीचर मार्केट है आपका कीर्ति नगर। सो गाइस, बस पहुंचने वाले हैं, यहाँ से मुड़ रहे हैं हम निशान के सर्विस सेंटर के लिए। और मुड़ गए। वाह, होंडा का शोरूम देख रहे हो फ्रेंड्स, कूड़े का पहाड़, कूड़े का ट्रक देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है कूड़े का ट्रक। फाइनली गाइस, ये गोल चक्कर आ चुका है, ये गोल चक्कर से हम गोल चक्कर ले रहे हैं। ये आ गया ग्रैंड इम्पीरियम इम्पीरिया, और ये लिया हमने यहाँ से। और बस पहुँचने वाले हैं फ्रेंड्स। यार ये छोटे छोटे जो टेम्पो है ना, ये बड़े दिक्कत देते हैं टेम्पो है। ये बस हम पहुंचने वाले हैं इधर। ये लो जी, आ गए हम इसके सर्विस सेंटर पे, निशान के सर्विस सेंटर। तो फाइनली हम सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं। हाँ जी, सर्विस है गाड़ी की। सो गाइज, अभी मैं शोरूम में था, तो मतलब सर्विस सेंटर में था, तो वहाँ बोल रहे हैं कि जी 2000 किलोमीटर पे तो इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, वो तो मैंने 600 किलोमीटर पे ही करवा ली थी एक्चुअली, 2 महीने के अंदर अंदर करवाते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी लेट चलती थी, मैं एक्चुअली बाहर था। तो 2000 किलोमीटर पे तो इंस्पेक्शन होती है, लेकिन 10000 किलोमीटर पे सर्विस होती है मेन। तो ये मेरे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी रहा मैं भी, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इतना नहीं बता पाया, मेरे को भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा था इस बात पे। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये भी है कि नियॉन जो निशान है वो एक्चुअली कंपनी मतलब डीलरशिप बंद कर रही है अपने सारे आउटलेट्स, और निशान का जो दूसरा अभी डीलर आएगा वो आएगा और वो गाड़ियां मतलब बेचेगा, अभी मेरे को पता लगा वहीं से। तो फ्रेंड्स यही है कि गाड़ियां तो बिकेंगी, नो डाउट, आप इसमें मतलब ये मत सोचना कि गाड़ियां नहीं बिकेंगी, गाड़ियां बिकेंगी निशान की, ठीक है, मैग्नाइट भी बिकेगी। पर लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए सारे आउटलेट्स पे मतलब मैग्नाइट को पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है, मतलब कि गाड़ियां थोड़ी टाइम के लिए सेल नहीं करने का वो किया है। बाकी आपकी गाड़ियां सारी की सारी मतलब बाद में जब कोई डीलर नया आएगा वो मतलब सारी गाड़ियां बेचेगा। तो निशान कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ आउटलेट्स बंद हुए हैं, जो नियॉन और निशान के बीच में कोई होगा डीलर्स के ऊंच नीच, तो उस कारण मतलब कि ये बंद कर रहे हैं। आप इस चीज को मत सोचिए कि हाँ जी गाड़ी कंपनी छोड़ छाड़ के भाग रही है, गाड़ी मत खरीदो, ये मत खरीदो। भाई एक ने कमेंट करके ये बात बोली थी कि जी ये गाड़ियां मत खरीदो, नहीं नहीं गाड़ी तो खरीदो, लेकिन गाड़ी खरीदने का मतलब है भाई हम भी तो चला रहे हैं, हमने भी तो खरीदी है, और लोग भी तो ले ही रहे हैं गाड़ी को। तो ये अपने दिलो दिमाग से तो निकाल दो कि जी गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी जी ये है वो है, कि भाई भाग रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं भाग रहा है। ठीक है, निशान ने दोबारा आना है और निशान तो बिकेगी बिकेगी जी, ठीक है।
डेटसन चली गई थी, निशान की जो दूसरी थी कंपनी, वो जा सकती है लेकिन ये नहीं जा सकता। इसने मार्केट कैप्चर इंडिया के अंदर इतना अच्छा बनाया तो ये कैसे निकल सकती है? पहले निशान कुछ भी नहीं था, एक मेगनाइट ने पूरे निशान को ऊपर तक पहुंचा दिया। मेगनाइट गाड़ी ने, आपके पास पहले टोरंटो थी, दूसरी कोई एक गाड़ी और भी थी, उन्होंने निशान की जितनी गाड़ियां थी उन्होंने क्या किया, सनी थी निशान की, उसने भी क्या उखाड़ लिया, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उन्होंने किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। लेकिन जो एक मेगनाइट थी, यही एक ऐसी गाड़ी थी जिसने पूरे निशान को, कंपनी को फायदे में दिया, निशान गाड़ी ने। तो ये तो आप फाइनली अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखो कि गाड़ी, ये नहीं है कि आप गाड़ी में निशान कंपनी नहीं जा रही है, निशान नियोस का डीलरशिप जा रहा है, डीलरशिप जा रहा है। तो गाड़ियां तो आपको मिलेंगी 100% मिलेंगी, और गाड़ियां आपको रोड पे भी चलती भी दिखाई देंगी, और सर्विस भी मिलेगी आपको पूरी पूरी। तो इस बात को हमेशा दिलो दिमाग में बिठा के रखना फ्रेंड्स, यही मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, और इस बात को आप समझिए। और फ्रेंड्स, अगर किसी को भी ये लगता है कि हाँ जी निशान की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि निशान जा रही है, कंपनी जा रही है, तो फ्रेंड्स ये आपकी गलत फहमी है। कुछ लोगों की तो गलत फहमी है ही, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, उनको मारुति से बहुत प्यार है, कुछ लोगों को मारुति से बहुत प्यार है, कुछ लोगों को हर गाड़ी से, भाई टाटा से बहुत प्यार है, मतलब वो ना इंडिया के गाड़ियों पे ज्यादा फोकस करते हैं। मारुति भाई एवरेज के मामले में है, माइलेज के मामले में है, ठीक है, ये गाड़ियां फीचर्स वाइज मामले में है। आप गाड़ी खरीदते हो माइलेज के हिसाब से, ठीक है, वो तो टैक्सी में भी यूज करते हो, हर चीज में यूज करते हो। कभी आपने ये देखा है जो ये क्या कहते हैं अपना टोयोटा भी आपकी देखो टैक्सी में आती है, निशान की कौन सी ऐसी गाड़ी है जो टैक्सी में आती है, आप बताओ ना। मैग्नाइट आज तक टैक्सी में आई, देखो गाड़ी तो देखो हर किसी की अपनी बजट के हिसाब से कोई बंदा गाड़ी खरीदता है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। मेरे को भाई माइलेज ज्यादा पसंद नहीं है, मेरे को फीचर्स ज्यादा पसंद है। जब मुझे एक बजट के हिसाब से, मेरा जितना बजट है मैंने उस हिसाब से गाड़ी खरीदी और मेरे को इतनी फैसिलिटी मिल गई उस गाड़ी के, मतलब गाड़ी से, मतलब उस बजट से उस गाड़ी के अंदर इतनी फैसिलिटी मिली, तो बताओ ना फ्रेंड्स क्या किस चीज की कमी रखी है निशान वालों ने, ठीक है भाई। डीलरशिप जा रहा है ना, कोई गाड़ी तो नहीं चली गई ना, या कंपनी तो नहीं भाग गई ना इंडिया छोड़ के, जैसे आपकी फोर्ड वाली चली गई थी कंपनी है कि मतलब रातों रात में निकल गई और भाई मैसेजेस छोड़ने लग गई थी, जी हम तो जा रहे हैं, हमारे मतलब इंडिया में कोई काम नहीं है, वापस वो टाटा के साथ अभी टाई अप कर रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, आप इस बात को मतलब ये मत सोचो कि हाँ गाड़ी जा रही है, गाड़ी कहीं नहीं जा रही है फ्रेंड्स, गाड़ी यहीं रहेगी और कंपनी भी यहीं रहेगी, देख लेना फ्रेंड्स, मेरी बात को आप मान लो, ठीक है, इस बात को आप समझते जाओगे और समझ जाओ, गाड़ी कहीं नहीं, गाड़ी का कुछ नहीं है जी, आपको गाड़ी तो हमेशा मिलेगी और यही मिलेगी गाड़ी आपको, मैग्नाइट का फेस लिफ्टेड वर्जन भी मिलेगा, ठीक है, हर गाड़ी मिलेगी आपको, इतनी गाड़ी बिक रही है, इतनी गाड़ी बिक रही है कहने की बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये बात बोला जा रहा है कि हाँ जी कि भाई गाड़ी मत खरीदो, क्यों ना खरीदे भाई, डीलरशिप जा रहा है, कोई कंपनी तो नहीं जा रही है, कंपनी ने बोले आप लोगों को, ये कंपनी ने हमारे को मेल दिया या कंपनी ने हमारे को एक मतलब कि हमारे को मतलब जैसे फोर्ड वालों ने बोला है वैसे हमारे को बोला है कि हाँ जी भाई कंपनी जा रही है, कंपनी नहीं जा रही है, डीलरशिप जा रहे हैं, उनके तालमेल नहीं बैठ रहा होगा डीलरशिप और कंपनी के बीच में, तभी जा रही है डीलर जा रही है, नियॉन डीलर, ठीक है। तो बने रहो वीडियो को और भी देखो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं अभी कहीं और भी जाऊंगा तो वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। सो गाइस फाइनली अब घर की ओर जा रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए फ्रेंड्स।